Hello dear student, welcome back to our channel Poonam Aswal Classes. So today we are going to start a new chapter, The Midnight Visitor. Now let's begin with the question answer of chapter The Midnight Visitor. Now first question is, how is Osabel different from other secret agent? Osabel दूसरे agent से कैसे अलग था, कैसे different था? Answer is, Osabel was very fat. He spoke with American accent, so he was different from other. Osabel देखने में बहुत ज़्यादा मोटा था और उसका American accent अच्छा था. वो कौन सा accent बोलता था? American accent बोलता था. और वो इसलिए वो दूसरे agent से बहुत ज़्यादा क्या था? Different था. कौन? Osabel. Okay, now second question is, who is Fowler and what is his first authentic thrill of the day? फाउलर कौन है और उसका दिन का जो पहला वास्तविक रोमांच क्या था, यानी ऑथेंटिक थ्रिल क्या था उस दिन का? तो आंसर इज, फाउलर इज अ राइटर. फाउलर एक राइटर था. हिज ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे इज फाइंडिंग अ मैन विद पिस्टल इन Osabel's लॉक्ड रूम. उसका जो दिन का जो पहला वास्तविक रोमांच था वो क्या था कि जब वो Osabel के रूम में जाता है, वहाँ पे एक मैन पहले से ही, एक आदमी पहले से ही पहुँचा हुआ होता है, जो कि Osabel का वो रूम क्या था? लॉक्ड था, यानी अंदर एक आदमी था. इसीलिए वो उसका वास्तविक रोमांच का दिन कहलाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, हाउ हैज मैक्स गॉट इन? मैक्स अंदर कैसे आया? Answer is, Max has a pass key. He entered by opening the lock of the main door. Max के पास क्या था? Max के पास pass key था. इसलिए जो Osabel के room का जो main door था, उस main door को उसने open किया और वो अंदर आ गया. Now question number fourth is, how does Osabel manage to make Max believe that there is a balcony attached to his room? Look back at his detailed description of it. What makes it a convincing story? इसका मतलब है, Osabel Max को यह विश्वास दिलाने में कैसे सफल होता है कि उसके कमरे के साथ एक क्या है? बालकोनी है. उसका हमें वर्णन करना है, यानी उसके बारे में हमें यह बताना है. और इस कहानी में क्या चीज वास्तविक बनाती है? आंसर इज, Osabel had a very intelligent mind. Osabel का दिमाग बहुत तेज था. He cleverly cooked up story of the balcony that never excited. उसने एकदम से cleverly, मतलब चालाकी से उसने एक कहानी बनाई कि उसके पास क्या है? बालकोनी है. किसके लिए बनाई थी उसने? Max के लिए बनाई थी. He provided concrete facts to the support his story. He was able to convince Max that his room was once a part of a large unit. उसने Max को ऐसे convince कर दिया, हाँ, किसने? Osabel ने, कि उसके रूम के बगल में क्या अटैच है? बालकोनी है. जो पहले वो जो रूम था, वो रूम क्या था? एक बहुत बड़ा कमरा है और उसी कमरे के अगले कमरे, वहां पर एक दरवाजा से होकर एक मुख्य कमरा जाता है, तो वहां पर क्या है? एक बालकोनी है. एंड एन एक्सटेंड अपार्टमेंट हैड बालकोनी एक्सटेंड टू हिज विंडो. Osabel सेज दैट समथिंग एंटर्ड हिज रूम थ्रू द बालकोनी अर्लियर. दिस इज द सेकंड टाइम व्हेन समवन हैज एंटर्ड हिज रूम. दिस मेक द स्टोरी कन्विंसिंग. तो Osabel ने उस मैक्स को क्या बताया कि उसके रूम में पहले भी, यानी सेकंड टाइम आज मैक्स आया है, और उससे पहले भी कोई बालकोनी के रास्ते से क्या आया था? उसके रूम में आया था. किसके रूम में? Osabel के. तो ये जो स्टोरी उसने कुक्ड की, यानी बनाई किसके लिए? मैक्स के लिए. तो ये बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग लग रही थी. कौन सी स्टोरी? जो Osabel ने ये झूठ झूठ स्टोरी बनाई कि उसके कमरे के बगल में क्या अटैच है? बालकोनी अटैच है. नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव इज, Looking back at the story, when do you think Osabel thought up his plan for getting rid of Max? Do you think he had worked out his plan in detail right from the beginning, or did he make up a plan taking advantage of event as they happened? इसका मतलब है कि कहानी को ध्यान में रखते हुए आपके विचार से जो Osabel ने किस वक्त मैक्स से पीछा छुड़ाने की योजना बनाई, किसने? Osabel ने किस वक्त मैक्स से पीछे छुड़ाने के लिए योजना बनाई? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि उसने अपनी योजना शुरू से ही बना रखी थी, या फिर उसने समय के साथ साथ घटनाओं का फायदा उठाते हुए योजना बनाई? क्यों? क्योंकि जो मैक्स था, मैक्स उसके रूम में जब एंटर हो गया था Osabel के, तो उसने उसी टाइम वो योजना बनाई थी. किसने?
औसा बेल ने, तो हमें क्या लगता है कि वो योजना यानी वो प्लान वो पहले से ही बना के बैठा हुआ था या उसने उसी टाइम बनाई जब मैक्स आया? तो आंसर इज औसा बेल थॉट अप हिज प्लान व्हेन ही फाउंड मैक्स इन अ रूम। औसा बेल ने जो वो प्लान बनाया था, वो जो योजना बनाई थी, वो उसने उसी टाइम बनाई थी जब मैक्स उसके रूम में आया था। पहले से तो किसी को नहीं पता चलेगा ना कि उसके रूम में कोई आया हुआ है। उसने जब मैक्स को देखा तभी उसने वो स्टोरी बिल्ड की। कुक्ड अप द प्लान टेकिंग एडवांटेज ऑफ इवेंट एज दे हैपन। उसने जैसे ही मैक्स को देखा वैसे ही उसने कुक्ड अप कर दी, स्टोरी बनाना शुरू कर दी। किसने? औसा बेल ने। ही जस्ट सेट डाउन एंड स्टार्टेड कुकिंग अप द स्टोरी ऑफ बैल्कनी। वो एक जगह बैठ गया और बैठ के वो सारी की सारी स्टोरी बना रहा था। किसके ऊपर? बैल्कनी के ऊपर। ही गेव नो टाइम टू मैक्स टू थिंक। और उसने मैक्स को सोचने का भी टाइम नहीं दिया जिस हिसाब से औसा बेल वो स्टोरी कुक्ड अप कर रहा था। ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन व्हेन मैक्स सेड दैट ही हैड एंटर थ्रू द डोर। और जो मैक्स उसको कह रहा था कि वो तो दरवाजे के रास्ते से आया है, कौन? मैक्स। किसको कह रहा था? औसा बेल को। उस पर वो कोई अटेंशन नहीं दे रहा था। कौन? औसा बेल। औसा बेल वॉज वेरी इंटेलिजेंट। औसा बेल बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। ही टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। उसने ये सारी एडवांटेज ली इस सिचुएशन की। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्लान आउट बिफोर। ये जो प्लान है वो कोई पहले से नहीं बना सकता। औसा बेल ने उसी टाइम वो प्लान बनाया था जब मैक्स उसके रूम में आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज How does औसा बेल say he got in? औसा बेल के अनुसार वो अंदर कैसे आया? मैक्स ने तो बोल दिया था कि मैक्स ने क्या बोला था कि उसने जो औसा बेल की रूम का जो मेन डोर था उससे उसने पास की थी ही, तो तब वो अंदर आया। बट औसा बेल के हिसाब से वो अंदर कैसे आया था? आंसर इज औसा बेल सेज दैट ही एंटर थ्रू द बैल्कोनी ऑफ द रूम। औसा बेल के हिसाब से ये था कि जो मैक्स रूम के अंदर आया था वो कैसे आया था? बैल्कोनी है उस रूम में, उस रूम के बैल्कोनी से वो अंदर आया था। वी कम टू एंड दिस क्वेश्चन आंसर। थैंकिंग यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो फॉर योर फ्रेंड्स एंड फॉर मोर सच अ लेसन प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल पूनम असवाल क्लासेस। थैंक यू।